व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं मोए मोए कांग्रेस सपोर्टर। कांग्रेस सपोर्टर का हो गया मोए मोए, मस्त मजेदार पॉलिटिकल फनी मीम्स होने वाले हैं। चैनल बनाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उनके वीडियोस भी भाई है और भी देख सकते हो आप। 1 2 3 गो। हां खुदा वही भगवान है, समझ रहे हो? समझो, समझी तू? जहां जहां खुदा है वही भगवान है, और यकीन नहीं है तो देख लो खुद। तो बोलो कृष्ण करैया लाल की जय। सभी भाई बहनों को राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में आपके अपने सनातनी चैनल द रॉक बाबा पे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यही सब हिंदू मुस्लिम को जैसे परेशान हो के राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस पे क्या कहें? राहुल गांधी तो खुद कठुआ है, वो कौन सा यात्रा निकालेगा? मतलब जिसका मम्मा पप्पा था बाबरी, जिसकी मम्मी थी पादरी, उसका बेटा बोलता है पंडित बिरादरी। मजाक क्यों जाते हो, वो तो ब्राह्मण है ना राहुल गांधी। अच्छा वो ब्राह्मण है, पेंट खोल के कभी चेक करिएगा राहुल गांधी का, कटा हुआ ना मिला तो मीडियम बोलना छोड़ देंगे। क्या पीओके को भी लेकर कोई विचार है गृह मंत्री जी? आप मुझे इतना सरल मानते हो कि मैं यहाँ बता दूंगा? राहुल गांधी एक बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो 50% आरक्षण की सीमा जो है वो तोड़ देंगे। देखिए राहुल गांधी जी को आपके अलावे देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है। बात तो सही है। आप इतनी शिद्दत से और सवाल मत पूछे मुझे। गृह मंत्री जी, इस पर भी विपक्ष के कई नेताओं को न्योता दिया गया, उनको बोला वहां पर आने के लिए, वहां पर काफी नहीं पहुंचे। उन सबका ये कहना था कि ये कार्यक्रम ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी का कार्यक्रम। बीजेपी का कौन सदस्य? ठीक है, बस हवा निकल गई। गृह मंत्री जी, एक चर्चा बहुत ज्यादा है, अगर हम शुद्ध राजनीति की एक और बात करें वो ये है कि प्रधानमंत्री जी दूसरी सीट से दक्षिण से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। मत पढ़ो ना इसमें, पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम काहे को आप करने लगते हो? हम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो भाई, अगर ये सब जानना है तो चले। भैया जी, सबकी बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार की क्षति वसूली विधेयक लाने जा रही है। इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से ही की जाएगी। सबसे बड़ी संपत्ति को कहीं नुकसान पहुंचाया है तो संपत्ति की भरपाई फिर उसी व्यक्ति से वसूल करके उसकी भरपाई करना, ये तो मुझे कार्रवाई उत्तर प्रदेश से जो प्रारंभ हुई, आज देश और दुनिया के लिए खुशहाल होती जा रही है और तमाम अन्य राज्यों में उसी तर्ज पर लोग एक नई मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ जी को भी ट्राई किए हैं, वो अभी तक नहीं क्लियर हुआ है। एक ही कमल था। एक ही कमल था। अच्छा। चाचा एक ही कमल था, कमल है कांग्रेस के पास है? वो भी बीजेपी वालों का हो गया। अगर असम में आ रहे हो तो कायदे में आओ, असम में आओ तो पहले मस्जिद करवा देंगे। बिल्कुल कराएंगे, हमारा राज है, हमारा राज है। सुप्रीम कोर्ट किसका है? मोदी जी का है, मोदी जी का जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकिए, ये याद रखिएगा। और यही होगा इस बार, कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है, ये बात मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, रत्ती भर भी विश्वास होता है इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही, हकीकत इनको भी पूरी तरीके से पता है। अच्छा जहां तक अमेठी की बात है ये इनका निर्णय मैं मानता हूँ, मगर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। साहब स्मृति ईरानी ने हरा दिया,
सोचिए वो अमेठी रायबरेली जो कभी नहीं हारे 1977 के अलावा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी उनके पिताजी वहां से रहते थे। देखिए दोनों लड़कों ने कहां पहुंचाया अपनी पार्टी को। राजीव गांधी जी 400 की मेजोरिटी तक लाए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले। राहुल गांधी तो अभी कह दिया मेरी सरकार आएगी तो मैं MSP दे दूंगा सारी मांगे। तुम्हारे पास और कोई नाम नहीं है क्या? क्या राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कॉमेडियन है क्या? कॉमेडियन है? आप क्या देखते हैं? हम तो देखते ही नहीं है। अच्छा खासे राजघराने का है तू, अपनी ज़बान पे कायम। मेरी बेइज्जती हो रही है। हमारे लिए तो पप्पू है वो। भैया गजब, हमारे लिए तो पप्पू है, लिख लीजिए आप। कितना चुभने लगा हूँ सबको। सर रितेश कुमार नाम है सर, मैं फौज में हूँ। हाँ, वो लग रहा था फौज में। और मैं बीजेपी और मोदी जी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आज उनके बीजेपी जब से आई है एक फोर्स मेंबर कॉन्फिडेंस जहाँ भी ड्यूटी करता है कॉन्फिडेंस महसूस करता है, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी। श्रीनगर में पहले हमारे ऊपर पत्थर मारा जाता था, सब कुछ मारा जाता था, और हमें अपना लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखते हुए हम उनका विरोध को हम लोग शांतिपूर्वक करते थे। लेकिन आज का रेट ऐसा है बीजेपी के आने के बाद कोई किसी की मजाल नहीं है कि एक पत्थर भी उठा के फेंक दे हम। बताइए 370 हटने के बाद वहाँ पे क्या विकास हुए? सर 370 के हटने के बाद सबसे बड़ा जो भैया हमारे ने बताया, मैं पूंछ उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जो इंडिया का लास्ट बॉर्डर है। 15 या 20 मिनट लगते हैं मुझे, अगर मैं जाऊँ ना पाकिस्तान में 20 मिनट में पहुंच सकता हूँ, मैं उस बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। नितिन गडकरी जी ने क्या किया हुआ है, इंडिया के लास्ट बॉर्डर तक अगर नेशनल हाईवे खड़े कर दिए जिसके ऊपर रफेल जैसे जहाज उतरने की संभावना है। और आप देखते रहिए, जिस दिन जम्मू कश्मीर में पूंछ डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर लाइन जो है नेशनल हाईवे बन गई, उसी दिन पीओके हमारा होगा। ये बात याद रखना, 110% लेंगे पीओके। लेने से हमें कोई माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। अच्छा। पीओके लेकर रहेंगे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आगे। हमको रशिया नहीं है, यूक्रेन के साथ 6-6 महीने बड़े पीड़ेंगे। इंडिया में आज इतनी ताकत है, एक दिन में काम खत्म करते। I support Modi guys. अंग्रेज सीख गए पर राहुल गांधी को आज तक नहीं आया, इसीलिए हालत हो गई। हमारी बात तो दिखाते नहीं है मीडिया में, आपको ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगी उसमें। ये प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी। ओ देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। ऐश्वर्या राय जी उधर देखो, देखो ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय जी, ऐश्वर्या राय की ओर देखो, देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए। पीके है क्या? पीके है क्या? लेकिन आप सफाई को कैसे पता? अच्छी बात बोली। कैसे लग रहा था इसका फेस उस पे लगा के? थोड़ा सा मार दीजिए, मार थोड़ा आपको। भाई कैसी लगी वीडियो बताना जरूर। मस्त मजेदार मीम्स थे। और देखो अंग्रेज भी सीख गए अब तो। यार इतना चुभने लगा हूं। चुरा तो नहीं हूं भाई, कितनी भी कोशिश कर ले। वो सुधांशु त्रिवेदी सर की बिल्कुल सही बात लगती है मुझे कि अगर इतने भरोसा था कि किसान नो के फेवर में आप करोगे और अपने आप पे इतने भरोसा है कि तुम ही आओगे आपकी बार, क्या ना जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ये कर दे, ठीक है देख लेंगे आपकी बार इलेक्शन में। और भैया सीधी सी बात है, कोई कुछ बोलता रहे, देश ने काम करा है, देश तरक्की कर रहा है, हर जगह हो रहा है हर एक चीज़। 370 हटने के बाद देश और खुशहाल हुआ है। और आप अगर कोई भी टॉपिक आप उठा लो, मतलब जो सरकार के वाइज, चाहे इंडिया को देख लो, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है इंडिया, GDP सबसे बढ़िया चल रही है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में, बाकी कंट्रीज में रिसेशन आ रहा है लेकिन इंडिया तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देश अभी मतलब फुल, अभी तो पूरी कैपेबिलिटीज इंडिया की अनलीश नहीं हुई है पूरे देश में। मतलब जिस फास्ट पेस पे, मतलब अमेरिका चाइना चले हैं उस पेस पे, अगर पूरा तरीके से इंडिया चलने लग जाए ना भाई साहब, देखते जाओ दुनिया हिल जाएगी। ये तो बात है। और यार IPL देख लो, IPL में इतना पैसा है, बड़ी से बड़ी कंपनी आके यहाँ प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, उनको ये पता है कि भैया यहाँ पर कितना वो है, वो कंज्यूमर्स कितने हैं। तो यही चीज़ है भैया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिख देना। बाय बाय, टेक केयर।